बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री, दोनों ही जगह अभिनेत्रियों के लिए खूबसूरती के मायने ही अलग हैं। वे नेचुरल ब्यूटी को नहीं मानती हैं, बल्कि प्लास्टिक सर्जरी वाली खूबसूरती को अहमियत देती हैं। ऐसे में सुंदर दिखने के लिए टीवी से लेकर बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, लेकिन हर किसी के लिए ये रिस्क सही साबित नहीं हुई, बल्कि प्लास्टिक सर्जरी से अपना चेहरा बिगड़वा लिया है। हमारी टीवी इंडस्ट्री में भी कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने अच्छा दिखने की चाह में प्लास्टिक सर्जरी कराई, पर अफसोस कि वे उसके बाद और भी ज्यादा डरावनी लग रही हैं। किसी ने सही कहा है कि भगवान की बनाई हुई चीज के साथ अगर खिलवाड़ करोगे तो ऊपर वाला उसकी सजा जरूर देगा, और कुछ ऐसा ही हुआ इन टीवी एक्ट्रेस के साथ। ये प्लास्टिक सर्जरी के बाद और भी डरावनी लगने लगी है, इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको टीवी की उन्हीं एक्ट्रेसेस के बारे में रूबरू कराएंगे जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी खूबसूरत दिखने के लिए कराई थी, पर उसके बाद वे खूबसूरत तो नहीं डरावनी लगने लगी थीं। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वे अभिनेत्रियां। नंबर 5, गौहर खान। कई रियलिटी शो में नजर आ चुकी अभिनेत्री गौहर खान भी सर्जरी करा चुकी है। इन्होंने ये सर्जरी जब कराई थी तब ये इंडस्ट्री में आई थी और इनका लुक कुछ खास नहीं लगता था, इसलिए इन्होंने लिप्स और नाक की सर्जरी कराई, पर अपने लुक्स को अच्छे करने के चक्कर में इन्होंने अपना लुक खराब करवा लिया। ये अब प्लास्टिक सर्जरी के बाद ज्यादा खराब दिखने लगी थीं, जैसा कि आप इन प्लास्टिक सर्जरीज के पहले और बाद की तस्वीरों में भी देख सकते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने खुद अपनी लिप सर्जरी की बात मानी थी कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद इनके होठों का शेप बिगड़ गया है और ये अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। नंबर 4, समा सिकंदर। ये मेरी लाइफ है सीरियल में पूजा मेहता का रोल कर चुकी अभिनेत्री समा सिकंदर ने भी प्लास्टिक सर्जरी कराई है। इन्हें इनका पहले डस्की फेस, मोटी नाक और पतले लिप्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, फिर इसके बाद इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की मदद से अपने आप को पूरी तरह से बदल डाला, पर इनकी ये प्लास्टिक सर्जरी सफल नहीं हो पाई, जिसका नतीजा ये निकला कि अब ये पहले से भी ज्यादा डरावनी दिखने लगी हैं। इनका फेस कलर तो चेंज हो गया, पर इनके लिप्स काफी मोटे हो गए थे, जिसके बाद ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। आप भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये प्लास्टिक सर्जरी से पहले ही अच्छी दिखती थी। नंबर 3, सारा खान। बिदाई सीरियल से प्रसिद्ध हुई अभिनेत्री सारा खान ने अच्छा दिखने की चाहत में चेहरे के ज्यादातर पार्ट्स की सर्जरी कराई है, जिसमें गोल गाल, आंखें, पलके और नाक शामिल है, पर अफसोस कि प्लास्टिक सर्जरी में लगे इनके लाखों पैसे वेस्ट हो गए, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी के बाद ये ज्यादा अगली दिखने लगी थी। सबसे ज्यादा अगर इनके चेहरे पे जो चीज गंदी लगी है वो है इनके मोटे लिप्स, जिससे ये बिल्कुल ही डरावनी लग रही हैं। सच में इन्होंने अपने अच्छे खासे चेहरे को खुद बर्बाद कर दिया है। नंबर 2, राखी सावंत। बिग बॉस सीजन 1 में और राखी का स्वयंवर जैसे रियलिटी शोज में नजर आ चुकी राखी सावंत अच्छा दिखने की चाहत में अपने बॉडी के लगभग हर पार्ट की सर्जरी करवा चुकी है, जिसमें लिप और नोज जॉब शामिल है, पर अफसोस की बात तो ये है कि ये ना तो प्लास्टिक सर्जरी से पहले अच्छी दिखती थी और ना उसके बाद, और प्लास्टिक सर्जरी के बाद तो और भी भद्दी दिखाई देती हैं, जैसा कि आप इनकी इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि इतना ट्रोल होने के बाद भी ये अपने आप को लेकर हमेशा कॉन्फिडेंट रहती है। नंबर 1, मोनी रॉय। कलर्स के शो नागिन में शिवन्या के किरदार से प्रसिद्ध हुई अभिनेत्री मोनी रॉय भी लिप सर्जरी करा चुकी हैं। इनका ऊपरी होठ काफी पतला था, जिससे ये खुश नहीं थी। यही वजह है कि इन्होंने लिप सर्जरी का डिसीजन लिया और इसे कराया, पर इसके बाद इनके लिप्स काफी अजीब दिखने लगे थे। इस लिप सर्जरी के बाद इनके लिप्स तो गंदे दिखने लगे थे, साथ ही इनका चेहरा काफी सूजा हुआ लग रहा था, और इसी वजह से इनके फैंस ने इन्हें काफी ट्रोल किया था और कमेंट भी किए थे। एक ने तो कहा कि लिप सूज सूज कर कहीं गिर न जाएं, तो दूसरे ने हद ही कर दी और लिख डाला कि इतनी सर्जरी करवाने के बाद अब तो ये डरावनी दिखने लगी है। सबको इनकी सर्जरी डरावनी लग रही है, पर इन्हें नहीं लग रही है। तो दोस्तों, आपको इन सभी अभिनेत्रियों में से किसका लुक सबसे डरावना लगा,
आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।